शालोम अलेखीम। मसीह में भाइयों बहनों को प्रभु यीशु में शांति हो। आज का जो हम वचन देखने वाले हैं वो है भजन संहिता उसका 46वां भाग उसकी 5वीं आयत, जिसमें परमेश्वर का वचन कहता है कि उस नगर में परमेश्वर है, इसी से उसका कभी पतन नहीं होगा। परमेश्वर उसकी सहायता भोर से पहले ही करेगा। परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि पतन नहीं होगा। किसका? परमेश्वर के नगर का। परमेश्वर का नगर हम लोग हैं और हम परमेश्वर की प्रजा है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें चुन लिया है अपनी प्रजा बनने के लिए। परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारा पतन कभी नहीं होगा और उसकी सहायता भोर से पहले ही करेगा। भोर से पहले ही करेगा, इसका मतलब क्या है कि हम रात को तो सो गए होते पर सुबह होने पे हम जागते हैं। तो परमेश्वर हमें कहता है कि भोर होने से पहले ही वो हमारी सहायता करेगा, मतलब जब हमें सहायता की आवश्यकता है उससे पहले ही परमेश्वर हमारी सहायता करेगा, क्योंकि वो जानता है कि कब हमें सहायता की आवश्यकता है, कब हमें किस चीज की जरूरत है। एक और परमेश्वर का वचन है यशाया की पुस्तक उसका 46वां भाग उसकी 4वीं आयत, जिसमें परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तुम्हें तब भी धारण किए हुए हूँ जब से तुम्हारा जन्म हुआ है, और मैं तुम्हें तब भी धारण करूंगा जब तुम बूढ़े हो जाओगे, तुम्हारे बाल सफेद हो जाएंगे, मैं तब भी तुम्हें धारण किए रहूंगा, क्योंकि मैंने तुम्हारी रचना की है, मैं तुम्हें निरंतर धारण किए रहूंगा और तुम्हारी रक्षा करूंगा। परमेश्वर का वचन कहता है वो हमें निरंतर धारण करके रखेंगे। निरंतर मतलब कभी नहीं छोड़े, हमेशा ही हमें धारण किए हुए रहेंगे हमारी सारी जरूरतों को, जहाँ हमें रक्षा की जरूरत है, जहाँ हमें जगत के किसी चीज की जरूरत है, जहाँ हमें आत्मिक चीजों की जरूरत है, जहाँ हमें सामर्थ्य की जरूरत है, वो सारी जरूरतें परमेश्वर हमारी पूरी करेंगे, क्योंकि निरंतर वो हमें धारण किए हुए। हम परमेश्वर का वचन जब देखते हैं तो परमेश्वर के अद्भुत काम हम देखते हैं, जिसमें परमेश्वर ने किस तरह से हमारी सारी जरूरतों को पूरी की। हम इब्राहिम को देखते हैं तो इब्राहिम को जब एक संतान की जरूरत थी तो परमेश्वर ने कब उसको संतान दिया? जब वो संतान होने की हालत में नहीं था, जब वो उस चीज के लिए सामर्थ्य नहीं था, परंतु परमेश्वर ने उसको ऐसी हालत में संतान दिया जब इज़राइल की प्रजा मिस्र की गुलामी में थी। परमेश्वर ये नहीं चाहता था कि उसके लोग गुलामी में कष्ट बैठे। परमेश्वर ने उनको वहां से छुड़ा लिया और उनको ले गए। जब अरण्य में उनको मांस खाने की इच्छा थी तो परमेश्वर ने उनको मांस दिया। जब उनको पानी की इच्छा थी तो परमेश्वर ने उनको पानी दिया। ऐसी जगहों से पानी परमेश्वर ने दिया जब जहां पे पानी होना असंभव था। परमेश्वर ने अरण्य में उनको खड़क में से पानी दिया। आज हमारे घरों में भी पानी नहीं निकलता, परमेश्वर ने अरण्य में जहाँ सूखी भूमि होती है वहाँ से परमेश्वर ने उसको पानी दिया। परमेश्वर हमारी जरूरतों के लिए आसपास की किसी भी चीजों के ऊपर आधारित नहीं है। परमेश्वर के लोगों के लिए परमेश्वर कहीं से भी सहायता करता है। परमेश्वर अपनी लोगों की जरूरतें कहीं से भी पूर्ण करता है। जैसे हम देखते हैं कि दाऊद एक बच्चा था, चरवाहा था, पर उसको परमेश्वर ने राजा बनाया और उसकी प्रजा को उसने बचा लिया। जब हम योना का उदाहरण देखते हैं तो योना तो मरने वाला था, लोगों ने उसको पानी में फेंक दिया था, पर परमेश्वर ने एक बड़ी मछली भेज के उसका बचाव किया। परमेश्वर जहां उसको चाहता था वहां उसको भेजा। हम नए नियम में देखते हैं तो परमेश्वर का सबसे पहला चमत्कार ये था कि जब कहीं गए थे, काना गांव में थे, तब दाखरस खत्म हो गया तो परमेश्वर ने वहां पे दाखरस उनको करके दिया पानी में। जो भी हमारे आसपास होता है उस चीजों से परमेश्वर चमत्कार कर सकते हैं। परमेश्वर को जरूरत नहीं है कि जो हमारी नजर में सही चीज है वो उनकी नजर में भी सही चीज हो। परमेश्वर को पैसों की जरूरत नहीं है, परमेश्वर को लोगों की जरूरत नहीं है, परमेश्वर किसी भी चीज से अपना काम कर सकते हैं। हम देखते हैं जब पहाड़ी पे परमेश्वर अपना प्रचार कर रहे थे, अपनी बात लोगों को बता रहे थे, तब लोगों का काफी समय चला गया था उसमें और काफी देर से लोग उनको सुन रहे थे और उनको भूख लगी होगी। परमेश्वर ने खुद ही ये समझ के उनके लिए भोजन का प्रबंध कर दिया। मछली और रोटी वहाँ पे थी केवल, पर लोगों ने तृप्त होके उस खाने को खाया। शायद वो घर पे होते तो बहुत सारे पकवान बनाते, बहुत सारी चीजें कहीं से लेके आते, परंतु परमेश्वर के पास जो था वो परमेश्वर ने उसको आशीष दिया और उनके लोगों को दिया। और लिखा है कि परमेश्वर के लोग उससे तृप्त हो गए और फिर भी काफी चीजें उसमें से बच गई। जब हम पौलुस को देखते हैं तो पौलुस को और काफी शिष्य जो जेल में थे, बंदीवास में थे, वहां से इस तरह से उनको निकाला कि जहां पे वो शक्य नहीं था, जेल के दरवाजे खुल गए और उनको बाहर लेके, उनका दूत जो था वो उनको बाहर लेके निकल आया। इन सारी बातों को हम जानते हैं, इन सारी बातों को हम भली भांति जानते हैं, क्योंकि अब या तो हम मसीही फैमिली में जन्म लिए थे या फिर हमने परमेश्वर के ऊपर भरोसा किया और इन बातों को हम जानते हैं। पर जब भी हमारे ऊपर परीक्षण आता है, जब भी परेशानी आती है, जब भी हम किसी समस्या में फंस गए होते हैं, तब ये सारी बातें भूल जाते हैं। सारी बातों को भूल के हम बस अपने आप सोचने लगते हैं कि मुझे क्या करना है, क्या करना है, कैसे होगा, इस परेशानी से मैं कैसे बाहर आऊंगा, कैसे मेरा छुटकारा होगा, कैसे मेरी सहायता मिलेगी, मैं किसके पास जाऊं, मैं कहां से सहायता लूं, मैं कैसे सब कुछ मैनेज करूं। कई बार हमारा आधार होता है हमारे पैसे, कई बार हमारा आधार होता है हमारे लोग, कई बार हमारा आधार होता है हमारे बच्चे, कई बार हमारा आधार बन जाते हैं हमारे पेरेंट्स। हम इन सारी बातों के लिए बड़ी चिंता करते रहते हैं। पैसे नहीं होते तो पैसे इकट्ठा करने की चिंता करते हैं, पैसे आ जाता है तो फिर उसको बचाने की चिंता
चिंता करते हैं, उसको बढ़ाने की चिंता करने लगते हैं। जब बच्चे नहीं होते तो बच्चे मांग के हम परमेश्वर से लेते हैं, बच्चे हो जाते हैं फिर उसको कैसे बड़ा करें, फिर उसको कैसे पढ़ाए, फिर उनका करियर कैसे बनाए, फिर उनके लिए हम क्या क्या व्यवस्थाएं करें, उनकी शादी कैसे होगी, बहुत सारी चिंता हम करते रहते हैं, हमेशा ही चिंता में डूबे रहते हैं अगर हम देखें तो। पर परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुमको हमेशा ही उठाए रखूंगा और बोर होने से पहले मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। जब भी हमें जरूरत होगी उससे पहले परमेश्वर हमारी सहायता करने वाले। हमारे सारे ही ये प्रयत्न सब कुछ निष्फल हो जाते हैं, हम बड़े दुखी हो जाते हैं, हम उस दुख में बड़े ही पड़े रहते हैं और बार बार उस चीज को सोचते रहते हैं कि मैं उसमें से कैसे निकलूं, परमेश्वर मुझे कैसे निकालेगा, परमेश्वर कुछ काम करे उससे पहले ही हम अपना काम करना चाहते हैं, हम फेल हो जाते हैं, हमारे पैसे डूब जाते हैं, पैसे खत्म हो जाते हैं, सेविंग्स होती है वो खत्म हो जाती है, बच्चे जो बड़े होते हैं वो एक बार शादी कर लेते हैं फिर माँ बाप को छोड़ के वो चले जाते हैं, हमारे सारे काम धरे के धरे रह जाते हैं। पर परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तुम पैदा हुए तब से लेके जब तुम मरोगे तब तक मैं तुमको उठाए रखूंगा, तुमको जरूरत होगी उससे पहले मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। परमेश्वर का वचन सच्चा परमेश्वर, परमेश्वर का वचन कभी चेंज नहीं होता। परमेश्वर के वचन में ये सारी बातें लिखी गई है, हम ये सारी बातों को जानते हैं और कई बार हमने ये एक्सपीरियंस भी किया है कि परमेश्वर हमें सहायता करते हैं और हमें किसी भी जरूरतों में कमी नहीं होने देते, वो हमारी सारी जरूरतों को पूरी करते हैं। परंतु जब सही समय होता है, जब दुख होता है, जब तकलीफें होती है, तब हम सारी चीजों को भूल जाते हैं, हम भागने लगते हैं इधर उधर, कहां जाए करने लगते हैं। परंतु परमेश्वर सब में से बाहर निकालता है, सब में से हमें अपनी शांति देता है, अपना आनंद देता है, कोई भी परिस्थिति हो, कुछ भी आसपास वातावरण हो, परंतु परमेश्वर की शांति, परमेश्वर का आनंद हमें ऐसे कैसे रहता है। ये काम करने वाला हमारा परमेश्वर है, उसका आत्मा हम में वास करता है, इसलिए हमारा भरोसा परमेश्वर के ऊपर रहता है। आइए हम परमेश्वर के चरणों में, जब भी ऐसी सिचुएशन हो, ऐसी तकलीफें हो, ऐसी बातें हो, जब हम दुख में हो, जब हम कसौटी में हो, जब हम परीक्षण में हो, जब हम किसी जगित बातों की तरफ खींचे जा रहे हो, तब परमेश्वर के चरणों में बैठ जाए, घुटनों पे आ जाए, परमेश्वर को कहे कि परमेश्वर मेरा आधार आप हो, मुझे जगत की चीजें नहीं चाहिए, जगत के इलाज नहीं चाहिए, जगत के तरीके नहीं चाहिए, परंतु आप मेरे लिए काम करते हो क्योंकि आप मेरे परमेश्वर हो, वो भरोसा दीजिए प्रभु और वो मार्ग दिखाइए, मैं उस पे चलूंगा। और परमेश्वर हमें सारी ही चीजों में बरकत देंगे, सारी ही चीजों में हमें आशीष देंगे, सारी ही चीजों में हमें आगे ले जाएंगे, हमारी आत्मिक बढ़ोतरी ऐसे ही होंगी जब हम परीक्षण में से पार होके परमेश्वर के ऊपर भरोसा करके हम बाहर आएंगे। तब जब हम खुद के ताकत से, खुद के ज्ञान से, खुद के इलाजों से हम बाहर आएंगे तब परमेश्वर की आशीष नहीं है, पर जब हम परमेश्वर पे आंखें मोच के भरोसा करते हैं तब परमेश्वर की आशीष हम पे आती है, तब हम आत्मिक वृद्धि पाते हैं, तब हमारा आत्मा परमेश्वर को धन्यवाद करता है, परमेश्वर की स्तुति करता है और ऐसे परमेश्वर हमारे अंदर बढ़ते हैं, क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि जैसे प्रभु यीशु थे उसी तरह से हम भी हो जाएं। आइए प्रार्थना करें। ऐ हमारे खुदा, हमारा जिंदा परमेश्वर आप ही हो और हमारी सारी जरूरतों को पूरी करने वाले प्रभु आप, हमारे दुखों में से हमें निकालने वाले प्रभु आप, हमें वो भरोसा दीजिए, हमें सही समय पे आत्मा का आवाज दीजिए कि जब हम आपके चरणों में बैठ ले हम कहीं नहीं दौड़े, कहीं किसी के पास नहीं जाए, परंतु प्रभु हमारे सारे प्रश्न, हमारी सारी तकलीफें हम आपके पास छोड़ दे, हम प्रयत्न ना करें परंतु प्रभु आपको करें, क्योंकि हमसे ज्यादा चिंता आपको है, हमारी परेशानियों से ज्यादा परेशान प्रभु आप, हमें किस चीजों की आवश्यकता है वो प्रभु आप जानते हैं, ऐसे में हम हार ना जाए, हम टूट ना जाए, परंतु प्रभु हमारा भरोसा आप पे बना रहे और आप हमें हाथ पकड़ के खींच लो प्रभु यीशु के नाम। आमीन।